नगर निगम व्हाइट हाउस है, जिसको व्हाइट हाउस हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ माना का दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए। माना में हर बार एक विशेष तरह का पंडाल बनाया जाता है, इस बार भी कुछ अलग ही थीम पर दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है। और माना में दुर्गा पूजा पंचमी के दिन से स्टार्ट होता है। जिस तरह से कोलकाता में दुर्गा माता की प्रतिमा बैठाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही प्रतिमा यहाँ पर भी बैठाया जाता है। तो आज आपको लेकर जाने वाले हैं रायपुर का माना और दिखाने वाले हैं वहाँ का दुर्गा पंडाल। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। अभी मैं पहुंच चुका हूं माना सिटी, और टाइमिंग की बात करूं तो लगभग शाम के 7 बज रहे हैं। अब जाकर देखने वाले हैं कौन से थीम पर पंडाल को बनाया गया है, कैसा बनाया गया है, मेला लगा है या नहीं, किस तरह से वहाँ पर माहौल है, सब चीज़ देखने वाले हैं। पंचमी के दिन से स्टार्ट हुआ है पंडाल, बस चलते हैं अब पंडाल की तरफ। माना में यहाँ पर भी दुर्गा पंडाल बना हुआ है, इसका भी व्लॉग आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ पर नगर निगम की थीम पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है। जिस तरह से हमारे रायपुर में नगर निगम है, जिसको व्हाइट हाउस बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही पंडाल यहाँ पर बनाया गया है माना में। और लाइटिंग भी यहाँ का ज़बरदस्त रहता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और देखने लायक रहता है। अभी आपको लाइटिंग भी दिखाऊंगा। हमने देख पा रहे हैं बड़ा सा एक एंट्री गेट बना हुआ है और लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं देखने के लिए इस पंडाल को। बस हम गाड़ी कहीं पर पार करते हैं, उसके बाद आपको सीधे लेकर चलते हैं पंडाल की तरफ। देखिए लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। पार्किंग का जो रेट है टू व्हीलर का 20 है और फोर व्हीलर का कितना है? 30 रुपये। तो मैं अपना गाड़ी पार्किंग में रख दिया हूँ। यहाँ जो पार्किंग का चार्ज है टू व्हीलर का 20 रुपये है और फोर व्हीलर का 30 रुपये है। 20 रुपये वैसे ज़्यादा है, 10 रुपये लेना चाहिए टू व्हीलर का। यहाँ 20 लिया जा रहा है माना में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पंडाल की तरफ और दिखाते हैं पंडाल को। बाकी भाई आप लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। देखिए इसमें पूरा डिज़ाइन बन रहा है, एक चित्र बन रहा है लाइट में। इधर पूरा झालर वगैरह लगा हुआ है और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो सब आते जा रहे हैं। इधर पूरा मार्केट लगा है। 300 में 2 जींस साल के पास पहुंच चुके हैं। आप लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे तो इधर पंडाल बना हुआ है और साथ ही साथ वहां पर ग्राउंड में मेला भी लगा हुआ है, तो मेला भी मैं आपको घुमाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको दुर्गा पंडाल की तरफ लेकर चलता हूँ और माता रानी के दर्शन कराता हूँ। बाकी भाई देख सकते हैं बाहर से कुछ इस प्रकार से पंडाल को बनाया गया है, दुर्गा पंडाल को, और ये नगर निगम की थीम पर बनाया गया है। जिस तरह से रायपुर में नगर निगम व्हाइट हाउस है, जिसको व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही पंडाल बनाया गया है। देख सकते हैं कि देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऊपर में जो सबसे अच्छा चीज़ है वो हमारा देश का तिरंगा है, तिरंगा लहरा रहा है ऊपर में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पंडाल के उस साइड आप देखेंगे तो उस साइड पूरा मेला लगा हुआ है। तो चलिए आपको पंडाल के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कौन से रूप में माता रानी की प्रतिमा यहाँ पर बैठाई गई है। यहाँ वैसे बंगाली थीम पर दुर्गा बैठाई जाती है माना में हर साल। देखते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। बाकी यहाँ पर लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी आरती हो रहा है। Thank you.
इस साइड तो पूरा मेला लगा हुआ है, देख सकते हैं आपको पूरा मेला भी घुमाते हैं। देखिए भाई पूरा मेला लगा हुआ है, मेला में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मिलने वाला है मेला में। बच्चों के लिए खिलौने लगे हुए हैं यहाँ पर, इधर साइड में झूले वगैरह लगे हुए हैं, और भी अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कौन कौन से झूले लगे हुए हैं देखने वाले हैं। सेल वगैरह लगा हुआ है, 50 रुपये में कंगन मिल रहे हैं, साथ ही साथ खाने पीने की भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेले में। उस पार भी देखेंगे तो उस पार भी खिलौना, फैंसी सामान सब चीज़ लगा हुआ है, साथ ही साथ खाने पीने की बहुत सारी सामानें लगी हुई है, मिठाई वगैरह की मिठाई, बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है मेला में। साथ ही साथ आपको अभी झूले भी दिखाने वाले हैं, उस पार झूले लगे हुए हैं, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, ऐसे कई प्रकार के झूले लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए पूरा शॉप लगा हुआ है मेला में। बारिश की वजह से भाई रास्ता थोड़ा कीचड़ वाला हो गया है, लोगों का भीड़ देखिए भाई आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इधर सामने है आकाश झूला, वहाँ पर ब्रेक डांस है, और उधर एक और नया प्रकार का झूला है, इधर ड्रैगन ट्रेन है, ये देखिए यहाँ पर है आकाश झूला। दर्शन भी कर लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ का मेला भी घूम लिया है, बहुत अच्छा बनाया गया है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते